केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के द्वारा रविवार की सुबह करीब 10 बजे अपने समर्थकों के साथ झुमरी तिलैया शहर के सुभाष चौक के समीप फ्लाई ऐश लोड 3 हाइवा वाहन से फ्लाई ऐश धूल उड़ने पर उसे पकड़ा गया, जिसके बाद मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार समेत परिवहन विभाग के कई कर्मी भी पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने अधिकारियों को जिले में प्रदूषण फैला रहे वाहनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके तुरंत बाद कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी कार्रवाई के मूड में अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर गई। इस दौरान उन्होंने SDO मनीष कुमार एवं परिवहन विभाग के कर्मियों की उपस्थिति में फ्लाई ऐश वाहनों द्वारा गिराए गए फ्लाई ऐश को साफ कराया। फ्लाई ऐश वाहन से उड़ने वाली धूल को लेकर विधायक ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। आप भी सुनिए विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने इस मामले पर क्या कहा है। हम रात में लौट रहे थे कैबिनेट बैठक के बाद में, तो हम देखे कि बाईपास रोड में गाड़ी तेजी से जा रही है और उसका पीछे का डाला जो था खुला हुआ था, बहुत सारे वहां पर वो जो राख होता है ऐश होता है वो गिरा हुआ था। उस समय हम गाड़ी रुकवाए थे और सभी उस समय के जो तत्कालीन SDO और DC सारे लोग आए थे और हमको लगता है कम से कम 6 महीने तक लगातार ये गाड़ियां बंद थी। अभी कुछ दिनों में ये स्थिति हो गई है कि जो हाइवा है या 10 चक्का है या 12 चक्का है वो 2 फीट तक ऊपर वो वेल्डिंग करके एक्स्ट्रा जोड़ा गया है और वेल्डिंग 2 फीट के बाद में भी और 2.5 फीट तक ऊपर से तिरपाल या प्लास्टिक को रख करके वो बांध करके ले जाता है। रात की घटना ये है कि जब उसका एक डाला खुल गया और वो पूरा जगह जगह पे ऐश को गिराते हुए गया। अभी सुबह रात 12 बजे से कंटिन्यू हमारे पास फोन आ रहा है लोगों का कि हम लोग इधर कैसे चले, पूरा कुहासा वाला एरिया जैसे बन जा रहा राख के कारण। तो हमने DC साहब को फोन किया, SDO साहब को, DTO, MBI सारे लोगों को फोन करके हम एक ही बात कहे हैं कि कोडरमा में हमें फ्लाई ऐश की गाड़ी नहीं दिखनी चाहिए। अगर ले के जाना है तो आप बंद बलकर जैसे गाड़ियों में लेके जाए और सीधे जहां खदान में डालना है डालें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक या तिरपाल या किसी से ढक के ले जाएंगे हमको वो स्वीकार नहीं है। और दूसरी बात है कि आए दिन जो एक्सीडेंट का कारण हो रहा है, आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है क्योंकि गाड़ी इतनी तेजी से आती है, ओवरलोडिंग होती है और जगह जगह पे वो कुहासा जैसे माहौल बन जाता है। लोग जब जाते हैं तो अपने आँख को बचाने के लिए जरा सा भी आँख बंद के पीछे से गाड़ी मार देती है। हमें यहाँ के लोगों की चिंता है, हम अपने लोगों को बीमार होने नहीं देंगे। कल डॉक्टर से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैडम ये तो आँख को अंधा करके ही छोड़ेगा, जिस प्रकार का इससे केमिकल निकलता है वो जलन देता है आँख में। तो हम अपने क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखना है, हमको यहाँ जो मोटरसाइकिल ऑटो रिक्शा पैदल ऐसे चलते हैं उनके आँखों में लगातार बीमारियाँ हो रही है। आँख के डॉक्टर के पास अभी ज़्यादा पेशेंट जा रहे हैं, इसलिए आज हमें ये एक्शन लेना पड़ा। विधानसभा के कारण अभी हम क्षेत्र में कम समय दे पा रहे हैं, कल हम रात में आए और आज फिर निकलना है हमको। लेकिन इस प्रकार की जो परेशानी देखे प्रशासन से बोले, प्रशासन भी साथ में है, इन लोगों का भी कहना है कि हम लोग इस पर निश्चित रूप से कार्य करेंगे। MBI साहब हैं, इनको भी हमने कहा है कि आप हर जगह में स्पीड ब्रेकर लगाइए जो कि यहाँ पर ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चले, जिससे कि आए दिन जो दुर्घटनाएँ घट रही है इन सारी चीज़ों को लेकर के आज पूरी जनता देख रहे, आप भीड़ है और पूरे रोड में कुहासा सा वातावरण हो गया है। तो कोडरमा बहुत स्वच्छ सुंदर बढ़िया है। झुमरी सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।